नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं आज बीजेपी सांबादिक सम्मेलन राज्य बीजेपी आज राज्य सरकार को ऊपर बर्षि कारण बारंबार से माने अभियोग करुछंती कौटि ना कौटि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं अपप्रचार करुछंती जो माने ओडिशार चाषी रही सेमाने उपकृत हो पारुनांती सेथिरु वंचित होउछंती ए कथा को आज नुए बारंबार बीजेपी जेतेबेळे अभियोग आनिथिला आज मध्य बीजेपी विधायक जे रहिछंती मुकेश महालिंग ए कथा को प्रेस मीट रे कहिछंती जे कहिछंती खास करी रवि ऋतु कथा कहंतु एवं खरीफ ऋतु ये दुईटी ऋतु जेतेबेळे खरीफ ऋतु रे 2% एवं रवि ऋतु रे 1.5% चासी माने लाभ पाइबे उपकृत हेबे सेथिरु वंचित होउछंती एवं एहा सहित 5% अर्थ जातीय फसल किंबा उद्यान फसल पई प्रीमियम भरिबार जो नियम रही से वंचित होती एटी प्रश्न उठू ताहले राज्य सरकार कहा स्वार्थ रे एसबू करते चाषी सब कुंभीर कांदड़ा कांदती चाषी सब राज्य सरकार प्रस्तुत से मानी सुखर दुखर सुविधा ठिया अनेक प्रकार योजना करमती जानते कालिया योजना कथा कहतु अनेक सबको नहीं कि सरकार राज्य चाषी मान को स्वप्न देखाई किंतु या भितर कौटि ना कौटि ये सब फसल फाटी अनेक चित्र सामना को आसुची जे केन्द्र जो योजना रही खास करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये योजन कहीं ओडिशार चाषी अधिकांश चाषी अंतर्भुक्त होना कहीं टा पाना ए बाबद आज न्यूज रूम आम आलोचना करम सहित जोड़ी हे बीजेपी कृषक मोर्चार उपसभापति अशोक महांती आम सहित जोड़ी हे खूब शीघ्र सहित आलोचना करवा जे कहीं राज्य सरकार एम को अंतर्भुक्त करूना अंतर्भुक्त करने नक पचर कारण कौन थे आदि सेपटे देखिए आपक थर बजे एक कहि जे राज्य सरकार कौ मानू अंतर्भुक्त करना केयुक्त चाषी से लिस्ट दिंतु बीजेपी तेरे ये कथा को लेकिन जिते बुले राजनैतिक टड़ा घोषणा देखा मिलूँ किंतु या भितर चाषी टीए बड़ी पड़ू से केन्द्र सरकार योजना हो कि राज्य सरकार जेहेतु देशर चाषी एवं तार पाइबार प्राप्य रही कौटि ना कौटि ये राजनीति भितर चाषी टीए हईराण होतसंत हो प्रश्न उठू जे प्रधानमंत्री जो किसान निधि योजना रही ये सबू योजन कहीं राज्यर अनेक चाषी आज वंचित होती आज अंतर्भुक्त हो पार ना बाबदे आलोचना करवा कि बर्तमान आम सहित जोड़ी होती कुचिंडार आम प्रतिनिधि सौम्यरंजन धल जोड़ी होती सौम्य कुचिंडार कौन रियाक्शन आसूची कारण जदि देखा जे खास करी संबलपुर चाषी अनेक थर एभली संकट रे सम्मुखीन होती जो राज्य रास्ता को आसती मंडी अव्यवस्था कथा कहतु टोकन समस्या कथा कहतु एवं धान किणा बिकार जो हेरफेर ये सबको नहीं चाषी आंदोलन को आसी राज्य रास्ता को आसी किंतु आज पर्यंत तार कौन समाधान हो पारिना आवर्त देखते जो केन्द्र सरकार फसल बीमा योजना रही प्रधानमंत्री योजना या भितर कि राज्य चाषी उपकृत होना कौन अंचल चाषी मैंने रियाक्शन रखुं निहाती भाव में देखो आप फसल बीमा कथा कहते जेहतु आप जानते चलित बर्ष फसल बीमा को लेकर विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार जो दुर्नीतिर गंध देखा मिलता है जो कुचिंडा अंचल कथा कुचिंडा अंचल तुरै पंचायत चाषी मैंने जितेबाला फसल बीमा करने को जाते विभिन्न सी एस सी सेन्टर को कथ कहतु कि लेम को जाते से ही समय चाषी को कहला आपंकर फसल बीमा हो जाए कि चाषी मैंने फसल बीमा करना चाषी मान फसल बीमा बाहन उठे दलाल मान जो अच्छा दलाल मान सक्रिय चाषी ना अंचल बर्तमान चाषी हताश हो पड़ी फसल बीमा को लेकिन यहाँ बर्तमान कौन कहते बर्तमान दलाल राज चली चाषी मान जमी को नहीं दलाल मान इन्स्योरेंस कर फायदा उठाऊ प्रकृत चाषी इन्स्योरेंस पाइबार वंचित हो दलाल मैंने जमी को दलाल मैंने से जमी को इन्सुरेंस करी तार फायदा उपभोग कर दलाल मैंने फायदा नौ चाषी मैंने अभियोग जानते हैं जिते सरकार योजना करोजना को योजना हिसाब से रही चाषी पाखे सठीक भाव में योजना पाने जो चाषी आप जितने कुचिना अंचल 2018 मसीह भयावह मरुड़ परिस्थिति होता से मरुड़ी एवं चाषी पैसा पाई ना जहाँ को नहीं विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान में आंदोलन कर राजरास्ता को वर्तमान सुधा पैसा मिलने फुनी चाषी प्रस्तुत है जो से 2018 मसीह फसल बीमा को नहीं पुणी थोड़े आंदोलन तेज विभिन्न रास्ताघाट अवरोध हम सरकार भावा नौला बेले कौटिना कौटी चाषी मध्य बड़े असंतोष प्रकाश पाई
खाली तुरई पंचायत कथा नुह आप जानते हैं तुरई अंचल अनेक चाषी सहित आम जहाँ जानू सुवनपाली अंचल चाषी कुसुमी जमनकिरी अंचल चाषी यहीपर किसी अंचल चाषी बर्तमान फसल बीमा वंचित होती दलाल मैंने फसल बीमा करे नहीं चाषी जो चाषी हक को जबरदस्ती नहीं छड़े नौ अभोग आते तुरई अंचल गत काली चाषी मैंने आसते उपजिलापाल दाबीपत देवाई पूर्व दुई तारीख मैं दाबीपत्र जदि दाबी पूरण न हुए तेल आसंता दुई तारीख दिन चाषी मैंने उपजिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे जी दलाल दलाल विरुद्ध में दूर कार्यानुषान करने बीजेपी दाबी कर सहित कांग्रेस दाबी कर जी दलाल दलाल भितर दृढ़ कार्यानुषान चाषी किए उचित फसल बीमार वंचित नुहे से दिगरे यथाशीघ्र त्वरावित पदक्षेप ना विभिन्न राजनैतिक दल दाबी कर निश्चित भाव में परवर्त समय आपको फेरी भी आलोचना बर्तमान आम सहित जोड़ी होती बरगढ़ रु मनीष शर्मा आम प्रतिनिधि जोड़ी होती मनीष बरगढ़ रु चाषी रिएक्शन कौन आसुचे बाबद देख चिन्मयी एटा प्रथम कथा नुहे राज्य सरकार सब बेले केन्द्र सरकार को सब योजना को हड़प कर आसी प्रधानमंत्री आवास योजना हो बा अन्य कौन सी योजना हो स्वास्थ्य बीमा योजना हो ऐसे विभिन्न प्रकार विभिन्न समय राज्य सरकार से जिनस को हड़प कर आते बेले मुंडर उपर पा अधिक चली जाए से समय से समय केन्द्र को दायी करता गोटे राग अच्छी जोटा कि राज्य सरकार सब बेले लाभ करता हूँ सबू योजनार जिते विफलता होता है केन्द्र दायी आम निश्चित भाव में चाषी नेता अच्छा आम सहित आम तर प्रतिक्रिया ना कौन कहे सर जो चाषी मैंने फसल बीमा पाई ना बोली जो अभोग आसपाई किए दायी प्रकृत में किए दायी निश्चित भाव में तो मोटामोटी जदि देखा केन्द्र सरकार राज्य सरकार गोटे मिलित पॉलिसी केन्द्र सरकार आईनटा को तैयारी कर राज्य सरकार यह कार्यक्रम करने कथा कार्यक्रम अर्थ हो जे ये जो एसेसमेंट करा जाए क्षतिपूरण आकलन करा जाए सेटा राज्य सरकार करी थाए जो आम पंचायत की यूनिट भाव में नि पंचायत क्रपोटिंग राज्य सरकार करी थांती और क्रपोटिंग जदि ठीक हबो ठीक आकलन हबो ताहले निश्चित भाव फसल बीमा योजना रे लाभान्वित होउछंती चाषी मैंने आम जदि बरगढ़ को देखा 2017-18 आम बरगढ़ जिले में ओडिशा 1700 कोटी टंका पाउथवा बेले बरगढ़ जिले में 735 कोटी टंका आम बरगढ़ जिले में केवल पाइछु आज जो बीजेडी दल तरफ प्रेसमिट करी कहिले 5000 कोटी टंका ओडिशा रे चासी माने पाइछंती बरगढ़ जिल्लारु सेथुरु आमे 2200 कोटी टंका पाइछु यार अर्थ होउछि जे चासी माने जदि सचेतन हेबे और ठीक भाव जदि कार्यकारी करा जाए ताले लाभान्वित होउछंती। द्वितीय कथा होउछि ये जो पॉलिसीटा को संपूर्ण भाव राज्य सरकार केमिति गुटे फेल हबो सेई दिगरे कार्यक्रम करुछंती। मुं आपनकु तीनोटी उदाहरण देबी। प्रथम उदाहरणटा होउछि जो एसेसमेंट होइथिला आ परवर्ती समय एसीएफ ओएसीएफ आईसीएफ नाँ से पैसा काटि दिया जाए थिला जहाँ को कि आम बरगढ़ जिलार लड़े करी आम से ही पैसा पाई एसीएफ ओएसीएफ आईसीएफ अर्थ होउछि जे गोटे जमीन जी इन्सुरांस हेबार कथा तार दुई गुण तीन गुण इन्सुरांस होता तो से इन्सुरांस कर कि राज्य सरकार चलित बर्ष और गत वर्ष ठार पोर्टाल आमर प्रीमियम नौ पोर्टाल आधार में आमको जिते प्रीमियम नि प्रीमियम आधार आम जो जमी अच्छी प्रकृत चाषी आमर इन्सुरांस कर पार ना बरगढ़ जिले में बर्तमान से जमी को अन्य जड़े इन्सुरांस कर देखते ये प्रकार कम्प्लेन डेली आम देखा पाचु राज्य सरकार तरफ ठीक भाव में गोटे पॉलिसी ग्रहण करूना यहाँ जदि प्राइवेट कंपनी मैंने जो चुक्ति हो जुलाई मसर 1 तारीख में ओडिशा चुक्ति होटा कि जून मसा कथा ओडिशा सरकार संपूर्ण भाव में यो पॉलिसीटा किपर भाव में फेल हम तार सब समय योजना करुछंती राज्य सरकार कौन कले चाषी मैंने ठीक भाव में उपकृत हेबे से दिगरे विशेष उद्यम करूना केवल खाली कादुआ फिंगा फुंगी चली पॉलिसी आम देखा बहुत थर कि राज्य सरकार वाह वाह कर नौकरी आम चाषी सब बेले जो असुविधा आम ढड़ा हो चाषी आम सब योजना कर आसीचु जो केन्द्र रोच केन्द्र जो एपाई जो राज्य सरकार द्वारा लागू हो पारे तो या कौन कह निश्चित भाव में आम जितेबले पॉलिसीटा को देखुचु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाटा आज से प्रेसमिट करवार अर्थ होड़शार 27टा जिला पुणी थे मरुड़ी हे प्रामाणिक सूचना मिलीगला तो तेणु कर जो मरुड़ी हे आगामी दिन में जो निर्वाचन अच्छी ताकि आखि आगर रखी से प्रेसमिट कर लोकं कहुच्छे आपन को इन्सुरांस मिले ना केन्द्र सरकार पॉलिसी अनेक त्रुटि अच्छी जदि त्रुटि अच्छी से कहीं प्रस्ताव दौना ये त्रुटि गुड़िक समाधान कर प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ जे मरुड़ी को मुकाबला करने इनपुट सब्सिडी भी गोटे व्यवस्था अच्छी जहाँकि 2018 साल
पश्चिम ओडिशारे 238,000 हेक्टर जमी मरुड़ी होता ओडिशा सरकार घोषणा करिछंति किंतु सेमानंकु इनपुट सब्सिडी वर्तमान सुधा मिली नाही। तो मोर कहिबार अर्थ होउछि क्षतिपूरण रो ठीक जदि आकलन न होबो ए वेट यू जो वैल्युएशन आधार रे हमकु इंश्योरेंस मिले ठीक भाव रे ताकु जदि आकलन न करिवो ताले चासी केमिति पाइबो। तो ए सब प्रक्रिया भितरे केन्द्र सरकारंकर ए जो पॉलिसी रे कंपनी मानंक व्यवस्था करिवा एवं राज्य सरकार जो बारंबार जो ए वेट यू वैल्युएशन रे लेट करुछंती बा आग्रह प्रकाश करुनांती तेणु करके चासी माने प्रधानमंत्री फसल बीमा रु ठीक लाभान्वित हो पारुनांती। निश्चित रूपए चिन्मय शुणुते जो भी भाव में राज्य सरकार जो दोमुहा नीति अपनाऊँच जेहेतु आगामी दिन में पंचायत निर्वाचन अच्छी एथ सहित जो ओडिशा राज्य में एवं 27 जिला रे जो मरुड़ी संभावना देखा जाऊँच ताकु आखि आगर रखी जिते बेले परिस्थिति असंभाल हेबो ता आगर ही से केन्द्र उपर से माने तांकर सब जारी कर पचारंतु ते वर्तमान राज्य सरकार एमती कौन पदक्षेप ने चाषी टीए उपकृत हो पार कारण राज्य सरकार तो ये फसल बीमा योजना को नहीं अपप्रचार करुछंती केमती एथिरे त्रुटि रही जदि त्रुटि रही स्वाभाविक कथा जदि त्रुटि रहिला ताकू नहीं केमती सथा सठिक करा जिबो ये बाबद रे काही के आलोचना करूनांती केवल खाली कहउछंती जे त्रुटि अच्छी ये पॉलिसी रे एवं एथिरे अंतर्भुक्त हुवंतु नाही। जदि आपण अंतर्भुक्त होउछंती ताले अनेक गुडिया समस्या उपजिबो एभळी अपप्रचार काही के राज्य सरकार कोन चाहउछंती राजनीति करबा पई चाहउछंती ना चासी को स्वार्थ चाहउछंती। निश्चित रूपे कौन कहे जेहेतु जो राज्य सरकार कहीं ये जो प्रचार करते जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ये संप्रक्त चाषी हूँ ना ये पॉलिसीटा ठीक नुहे ये जो प्रचार मिथ्या प्रचार करुँच सहित तो कौन कले ओडिशा राज्य सरकार कौन कले चाषी लाभान्वित हो पार। राज्य सरकार निजर दायित्व निभाइबा कथा जदि से ठीक भाव में दायित्व निभाइबे ना एपरी खाली कादुआ फिंगाफुंगी कथा चलो ताल निश्चित भाव में यह गोटे चाषी कुल प्रति गोटे भल न्याय हेब ना। यार तो प्रथम कथा हूँ जो एसेसमेंटा हो कंट्राक्ट करा ये सब राज्य सरकार करदी ये पॉलिसीटा संपूर्ण गोटे भूल पॉलिसी ताले अन्य भारतवर्षर 6 राज्य जमी बंद कर ओडिशा सरकार कहीं बंद करूना जदि बंद करूना केन्द्र सरकार को दोष देखते तार अर्थ हूँ आवा निर्वाचन को किपर भाव में मुकबिला करेंगे मरुड़ी जो अभूतपूर्व गोटे क्षति होगा जाऊँगी से राज्य सरकार देवाई चाहूना तेणु चाषी मान फेर थे पुणी गोटे भकुआ बनवाई गोटे मिछ कथा कही लोक चाषी मान मुख्य दिगर गोटे अन्य दिग को टाणी जो प्रयास प्रयास चाषी को सचेतन कराइबर आगामी पदक्षेप कौन रही कारण जो कथा कहते बर्तमान जदिओ पाणीपाग विभाग पक्षर चलित बर्ष स्वल्प वृष्टि होइछि एवं वर्षा अभाव अनेक स्थान में मरुड़ी भली समस्या देखा दे पारे आ जदि एभली पॉलिसी को नहीं टणाउटरा वर्तमान देखा जिवो ताहले चासी टिए ही बळी पड़िबो ये चासी नेता हिसाब रे मानंकर पदक्षेप कोन रहइबो केमती चासी मानंको सचेतन करिवे। निश्चित रूपे चिन्मयी जेहेतु आपण जन चाषी नेता आप कृषक संगठन जय किसान आंदोलन चले आसुचंती तो कौन कहे किपर भाव में चाषी मान सचेतन करेंगे जो भाई भाव में प्रधानमंत्री फसल बीमा से माने अंतर्भुक्त हो पारे एस तो कौन कले राज्य सरकार जो चाषी मैंने ठीक भाव में उपकृत हो पारे चाषी मान सचेतन किपर करेंगे। आमे मैंने बारंबार सचेतन कर आई बरगढ़ जिले में आम चैलेंज करुच्छू जदि ओडिशा 5,000 कोटी टंका क्षतिपूरण पाई ताले बरगढ़ केवल खाली 2200 कोटी टंका पाई यार अर्थ हूँ बरगढ़ चाषी मैंने सचेतन से ही सचेतनता को अन्य डिस्ट्रिक्ट को आम नापी चेषा करुच्छ प्रयास करुच्छू मुँ आरटीआई जन एक्टिविस्ट मु संपूर्ण तथ्य ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर मो पाखे अच्छी और से ही नहींक्र आम गाँ गाँ जाऊँ सभा समिति करुच्छू लोकों भितर चेतना तैयारी करुच्छ तार अर्थ हूँ ये जो क्रॉप कटिंगटा अच्छी क्रॉप कटिंगटा को ठीक भाव में जदि कार्यकारी न कर त्वरान्वित न हो क्षतिपूरण ठीक भाव में पाई ना क्रॉप कटिंगटा को जदि ठीक करी मैंने क्षतिपूरण पाई या हूँ सबुठ गोटे बड़ कथा और क्रॉप कटिंगटा राज्य सरकार एवे वैल्युएशन टीओ वैल्युएशन बन सारापर केन्द्र सरकार को दे था और केन्द्र सरकार आम जो प्रीमियम दौचु ता एगेन्स्ट 6% और राज्य सरकार 6% देकि 14% आमको प्रीमियम दि जाए थाए यार अर्थ हूँ ये पॉलिसी रे केन्द्र और राज्य दुई सरकार मिलित ये गोटे पॉलिसी और तीन लोक कृषक राज्य सरकार केन्द्र सरकार तीन लोक जदि सचेतन न होबे ताहले पॉलिसी रो ठीक लाभ नहीं पारे ना केन्द्र सरकार अन्य को दोष न दे निज दोष को से ये करी करी तार समाधान करले भल हबो।
राज्य सरकार जेहेतु अपप्रचार करुचंती आपण जा कहउचंती जे तो ताकु आपण माने किपरि भाबरे एबे मैनेज करिवे जेहेतु जदि जटे चासी प्रधानमंत्री फसल बीमा रे जड़ित न हेबो ताहेले से निश्चित भाबरे जेहेतु आगो को देखा जाउची जे मरुडी परिस्थिति हेबो तो से माने किपरि भाबरे एठु माने एबे ए प्रीमियम रे अंतर्भुक्त हेबे आपण जाणिथिबे प्रधानमंत्री फसल बीमा को नहीं करी मु मुख्यमंत्री को भेटिचे 2018 जुलाई मासर पाखापाखी 17 तारीख रे आमे आंदोलन कर जेल भी जाइछु यार अर्थ होउची आमे जो ओडिशा सरकार एसेसमेंट ठीक भाव करूनांती ठीक समय रे जदि एसेसमेंट हबो नाही क्रॉप कटिंग हबो नाही ताले चासी केमिति पाइबे आमे ताकू नै राज्य सरकार को एबे मध्ये आमे दायपत्र दे सालुनी ठीक समय रे क्रॉप कटिंग करा जाउ आ चासी मानकर ठीक भाव रे क्षतिपूरण दिया जाउ जदि नै हबो गुटे जो भयंकर आंदोलन हबो सेति पाई राज्य सरकार दाई रहिबे निश्चित भाव रे मनीष आमे जहां प्रतिक्रिया सुनुथेलु जे ए बाबद रे राज्य सरकार पुनर्विचार करी निष्पत्ति नेबार आवश्यकता रहिछि एवं केमति सटीक समय रे असेसमेंट करा जइबो ए बाबद रे मध्य चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि परवर्ती समय रे मनीष आपनो पाखु फेरि बे आलोचना करबा किंतु वर्तमान आम सहित जोडियो छेंती बीजेपी कृषक मोर्चा रे उपसभापति अशोक महांती जोडियो छेंती श्रीजुक्त महांती आपनको आलोचना को स्वागत जणाइबी श्रीजुक्त महांती आपनको रिएक्शन नेबा पई चाहिबु जे खास करी राज्य सरकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं राज्य में जो अपप्रचार करुछंती ये अपप्रचार पछरे कौन आपन को लागुची कारण कौन थाई पारे राजनीतिक जे राजनीति करिया पई राज्य सरकार चाहुछंती ना केवल चासी मानन को बळी पकाइबा पई चेष्टा करुछंती देखंतु गत दुई दिन तले बिजेडी तरफ रो जो प्रेस मीट रे जो वार्ता दिया जाय छे से वार्ता रे कह जाय छे जे जेतिक टंका आमे आदाय करू छे प्रधानमंत्री जो आमर इन्श्योरेंस क्षेत्र रे से कथाटा चासी तार दाबी पाई पारु नाही किंतु वास्तविकता तो भिन्न कथा वास्तविक क्षेत्र रे चासी जो कथा नहीं कि कथा होता सरकार गोटे पटे चाषी मान जो लिस्ट प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजन दे न पार्ला बेले प्रधानमंत्री 2022 सुधा चाषी आय द्विगुणित करने जो विभिन्न कार्यक्रम नहीं चाहिए इन्शुरांस कथा जो रही से इन्शुरांस पा ना बोली एक मिथ्या प्रचार बिजेडी दल तरफ करा जाउछि श्रीजुक्त महांती आपण मिथ्या प्रचार को केमिति प्रमाणित करिवे जे ये होउछि चासिंग को स्वार्थ पई ये चासिंग को लाभान्वित करिवो ये बाबद रे केमिति चासी मानन को सचेतन करिवे देखन तो विगत दिन रे चासी मानकर आयक दुगुणित करने जो विभिन्न प्रकार योजना प्रधानमंत्री तरफ निया चाषी मानक बीमा योजना तादर गोटे प्रकार एवं विगत दिन मानक आम देखीचे जो अंचल चाषर व्यापक क्षय क्षति हुए बन्या जनित हो मरुड़ी जनित हो प्राकृतिक दुर्विपाक जो क्षय क्षति हुए से जो आकलन करा गोटे जिला स्तर में करा वर्तमान यूनिट के पंचायत बा गोटे एरिया को आरआई सर्कल एरिया को मध्य निया जाउछि सेथिरे चासी जेतिके टंका दिए तार इन्शुरांस बाबत ये करुछि धान बिहन ठारु आरंभ करके चाष क्षेत्र रे एवं चासी तार उत्पादित द्रव्य को तार अमर जाय नेला पर्यंत मध्य ये व्यवस्था रे चासी को सब प्रकार सहायता दिया जाइछि जेति चाष क्रॉप कटिंग परे मध्य जेति चासी नहीं अदिनिया वर्षा भी हो जाउछि एवं तार बिलर मध्य धान पची जाउछि सेथिरे मध्य क्षतिपूरण दबा पाई एवं चासी के इन्शुरेंस रे व्यवस्था करा जाइछि किंतु बिजेडी सरकार जो कथा कहुछि जे चासी तार निश्चित भाव रे श्रीजुक्त महांती आपण जो कथा कहुछन्ते जे खास करी चासी टीए जेतेबळे तार शस्य काटिकी नेबा पर्यंत जहाँ सब से बाधा प्राप्त हेबो तार समस्या उपजीव सी बाबद मध्य ये जो योजना जदि से अंतर्भुक्त होती सुविधा सुजोग पाइब जमीक आपड़ कहले मरुड़ी जनित समस्या प्राकृतिक विपर्य एवं अदिनिया वर्षा ये सबुरे जदि चाषी चाष उजुड़ी जाए से सुविधा सुजोग पापर या सहित खरीफ ऋतु में 2% कथा कहतु बेनिफिट और रबि ऋतु 1.5% बेनिफिट ये सब चाषीपाई रही कि
चासी पाखरे ये कथा केमिति पहुंचबो कारण वर्तमान सुधा जदि राज्य सरकार मिथ्या अपप्रचार करुछंती आपणकर विरोधी दल हिसाब रे जेहेतु जणे आपण कृषक मोर्चा रो उपसभापति आपणकर वर्तमान दायित्व रहिछि जे चासी को सचेतन करा जिवो चासी माने अंततः जेतबेले बुझिबे सेमाने प्रतिबाद करिवे सेमाने राज्य सरकार को ए बाबत रे जणाइबे जदि पॉलिसी रे किछि त्रुटि रहिछि ताले आपण आलोचना करंतु किंतु काहे कि चासी मान को सेतरे अंतर्भुक्त होबा पई दउनाती ये बाबत रे आपणकर पदक्षेप कोन रहिबो देखंतु ए जो इन्स्योरेन्स कंपनी मानको चयन करिवार दायित्व राज्य सरकार मान नेइचंते राज्य सरकार मान विभिन्न समय रे जो इन्स्योरेन्स कंपनी मानको चयन करिचंते सेमान चासीर दाबी मुताबक जो इन्स्योरेन्स रे कथा को फैसला करूनांते एथिरे निश्चित भाव राज्य सरकार के दायित्व रहिछि से प्रकृत इन्स्योरेन्स कंपनी जो मान चासी के संवेदनशील सेमानक कथा को बुझिवार आवश्यकता रहिछि एवं आगामी दिन में निश्चित भाव चाषी जो योजना करा ये साधारण लोकर साधारण चाषी पर जो योजना करा से चाषी किभ भाव उपकृत तार जो फसल जनित हानि घटू उचित समय से कमी तार क्षतिपूरण पाईपर केन्द्र सरकार तो योजना करन्स कंपनी मानक दायित्व देखते सर्वनिम्न अल्प इन्स्योरेन्स जोटा आमर बांधला चाषी से तार जो सुफल पाइबा कथा किंतु चयन करिबार जो त्रुटि रही इन्स्योरेन्स कंपनी मानक आरंभ करके विभिन्न क्षेत्र में राज्य सरकार जो उत्तरदायित्व रही से उत्तरदायित्व को राज्य सरकार निर्वाह करिबार कोठिना कोठी भूल करुछंती जहाँ फल साधारण चाषी आज तलितलंत होउछि एवं से तार चाषर जो आय पाइबा कथा एवं जो प्राकृतिक दुर्विपाक समय जो क्षति सहुछि से क्षति को से इन्स्योरेन्स पाने जो थे जो प्रधानमंत्री जो महत्वाकांक्षी योजना रही 2022 सुधा चाषी किभली भाव मेरुदंड को सड़क कर से विषय कौटिना कौटि भूल रही जाऊँगी तेणु राज्य सरकार जो उत्तरदायित्व रही से उत्तरदायित्व को राज्य सरकार पालन करिवार निश्चित भाव आग्रह रखे निश्चित भाव में सुजुक्त महांती आम आशा रखु जो राज्य सरकार दायित्व न हटतु कि जो ये राजनीति करुछंती तू तू मे कादुआ फिंगा फिंगी ये नीति चली किंतु चासी टीए हंतसंत हो चासी टीए बड़ी पड़ी आप जो पॉलिसी कथा कहते इंश्योरेंस कंपनी कथा कहते ये बाबद राज्यर चासी केते अवगत अच्छा जदि चासी टीए अवगत अच्छी चासी सचेतन अच्छी ताहले कौनसी प्रकार से जो बेनिफिट पाइबा कथा से वंचित होब ना कि जदि चासी बाबद अवगत ना आ राज्य सरकार या कि मिथ्या अपप्रचार करेंगे ताहले मिथ्या तो ही व्यापी ना सत के सामना को आसब प्रश्न हूँ यहाँ जे आप जड़े चासी नेता हिसाब रे कौन करने चाहिए खास करी केवल राज्य सरकार जे उत्तरदायित्व ने राज्य सरकार करूना एतिक तो कही हेनी जो बेनिफिट केन्द्र सरकार देखू चाषी टीए पाइबा दरकार चाषी टीए केमी पाइब वास्तविक भाव में निश्चित भाव देखु आम प्रतिदिन संवादपत्र जोबले पढ़ुचे मुख्यमंत्री का प्रचार पर पूरा पृष्ठा एवं आगामी दिन तो पंचायत निर्वाचन ठीक आरंभ कर पौर निर्वाचन होगाक जाऊँगी संवादपत्र जोबले आम देखा पृष्ठा पृष्ठार विज्ञापन सरकार तरफ दि जाऊँगी किंतु चाषी जो मौलिक समस्या नहीं चाषी केबे ठारु तार इन्स्योरेन्स भरवा डेट आरंभ हो केबे ठारु चासी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो ये विषय में सविशेष बरणी न बाहर करके छोटी एडवर्टाइजमेंट दि जाऊँगी जो थे साधारण गाँ गहली रोकता चाषी जो मैंने संवादपत्र पढ़ती ना जो मैंने टीवी देखिबार सुजोग पाती ना से विषय में अवगत ठीक से हो पार ना तेणु व्यापक जन आंदोलन व्यापक सचेतनता करार आवश्यकता अच्छे साधारण चाषी टे जानू जो समय सीमा कौन रही इन्स्योरेन्स भरवार तारीख कौन रही चाषी तार मंडीर रजिस्ट्रेशन करिवार तारीख कौन रही ये कथा को व्यापक प्रचार प्रसार करिवार ये व्यापक प्रचार किए करबो ये सचेतनता कार्यक्रम किए करबो आपण तो कहउछंती जे राज्य सरकार याकु ने कि मिथ्या अपप्रचार करउछंती ताहाले जन सचेतनता कार्यक्रम किए करबो जन आंदोलन किए करबो भाबे पाई परिबो से विषय भारतीय जनता पार्टी सचेतन अच्छे एवं चाषी मान सहित रही चाषी मान को शिक्षित करी चाषी मान भितर जागरण तैयारी निश्चित भाव प्रधानमंत्री जो योजना जो रही 2022 सुधा भारत बर्षर समस्त कृषिविद मान कृषक मैंने आय को द्विगुणित करें निश्चित भाव आम आधे प्रचेषा भारतीय जनता पार्टी रहा।
ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ପ୍ରତିଟି ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ସିଏ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଯେ ଖାସ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉପକୃତ କରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଉପକୃତ କରିବ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୀଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମନୀଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମନୀଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇକି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀଟିଏ ତାର ଯଦି ଚାଷ ଅମଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ସେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମରୁଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଯଦି ଚାଷୀର କିଛି ଫସଲରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଟି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ଖାସ କରି ଇଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀଟି ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଚାଷୀଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଅବଗତ କରାଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ପଲିସିରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ କିଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥିବେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଲୁ ରହିବ ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇଭଳିଆ ରଣନୀତି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ବା ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆସିବ, ଧାନ କିପରି ବିକ୍ରି ହେବ, କେବେ ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆସିବ, କେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆମେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଟିଭି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଇଏ କରିବେ? ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ମିଟିଂ କରିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ହେଉ, ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାକୁ ନେଇକରି, ତ ତେଣୁ କରିକରି ଯଦି ସରକାର ବି ସେଟାକୁ ଯଦି ସଂଜ୍ଞାନକୁ ନ ନେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନ ନ କରିବ, କେବଳ ଖାଲି କୃଷକ ସଂଗଠନ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେତିକି ମେକାନିଜମ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତେଣୁ କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ କୃଷକ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଇଏ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ପୁରା ଉଦାହରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବା ଇଏ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ ଏବଂ ଇଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।